एवरीवन, दिस इज अमनप्रीत कौर एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एंड वी। और दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं फ्रैक्शन टॉपिक के बारे में, जो कि हेल्पफुल रहेगा फॉर सी टेट, टेट, के वी एस, यू पी टेट, एम पी टेट या किसी भी स्टेट के टेट एग्जाम के लिए, जिसमें मैथ सेक्शन में फॉर पेपर वन। और ये ज़रूरी नहीं कि ये सेशन सिर्फ सी टेट या टेट के एस्पिरेंट्स ही देख सकते हैं। हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं ऑफ ग्रेड फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो कि ब्रीफ एक्सप्लेनेशन चाहते हैं फ्रैक्शन टॉपिक की, उनके लिए भी सेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये जो पार्ट फोर है, ये हमारे पार्ट थ्री का कॉन्टिन्यूड पार्ट है, जो कि पार्ट थ्री में हमने किया था मीनिंग ऑफ द फ्रैक्शन, मेकिंग ऑफ फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय मल्टीप्लिकेशन एंड बाय डिवीजन। उसी को आज हम कैरी फॉरवर्ड करते हुए करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शंस। तो सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दिस इज अमनप्रीत कौर फ्रॉम नॉलेज एंड वी। तो जी हाँ, आज हमने बात करनी है दैट हाउ टू ऐड फ्रैक्शंस, कि हम फ्रैक्शंस को ऐड कैसे कर सकते हैं। देखिए, दो बातें होती हैं, या तो आपका उसमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम होंगे या डिनोमिनेटर्स आपके डिफरेंट होंगे। अगर तो सेम है तो फिर तो उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन अगर आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो आपको उन डिनोमिनेटर्स को पहले एलसीएम मेथड या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड लेके आपको उन्हें सेम बनाना पड़ेगा, तब जाके आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो इसी पॉइंट को आज स्टेप बाय स्टेप हर स्लाइड में एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, इन केस ऑफ सेम डिनोमिनेटर्स, अब टॉपिक है कि अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम होंगे एडिशन में तो हम क्या करेंगे। नंबर वन, मेक श्योर द डिनोमिनेटर्स आर सेम। वो कहता है सबसे पहले ही आपने यही बात देखनी है कि आपके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हैं। नंबर टू, टेक द कॉमन डिनोमिनेटर एंड ऐड द न्यूमरेटर्स एंड राइट अबव इट। अब उसने कहा है कि अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है तो उनमें से एक कॉमन डिनोमिनेटर का मतलब होता है उनमें से एक डिनोमिनेटर ले लेना। अब ऊपर जो न्यूमरेटर्स होंगे उनको ऐड कर देना और सिंपली उसका आपका आंसर आ जाएगा। नाउ सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन इफ नीडेड। आपका आंसर आने के बाद अगर आपके आंसर की कटिंग हो रही होगी वन टेबल से, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में किया था, तो आपने वो कर लेनी है अगर उसकी ज़रूरत होगी तब या पूछा जाएगा तब। तो ये तीन स्टेप्स आपको ध्यान में रखने अगर के इन केस ऑफ सेम डिनोमिनेटर्स। और बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है, इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होती। बस कॉमन डिनोमिनेटर उठाना है, न्यूमिनेटर्स को ऐड करना है और सिंप्लीफाई करना है, बस थ्री स्टेप। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल। तो जी हाँ, अब ये देखिए, हमने रेक्टेंगल लिए, हमारे पास टू रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। इनको हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट वाले में हमने वन पार्ट शेड किया है और सेकंड वाले में टू पार्ट शेड्स किए। अब देखिए, अब हम इनको ऐड ना इजीली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पीसेस वो सेम साइज़ के हैं और सेम नंबर है, तो हमारा डिनोमिनेटर सेम रहेगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पीसेज आर द सेम। तो ऑब्वियसली हमारा डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन में 5-5 रहेगा। इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी 1/5 और इसकी बन जाएगी 2/5। देखिए, 5-5 डिनोमिनेटर्स यहाँ पे कॉमन आ गया और 2+1 आपका 3 आ गया, राइट। अब उन्होंने कहा है द डिनोमिनेटर्स ऑफ द आंसर स्टेज द सेम, द साइज ऑफ द पीसेस हैज नॉट चेंज, के डिनोमिनेटर इसलिए सेम रहा क्योंकि उनके जो साइज थे वो पीसेस का वो सेम था, वो चेंज नहीं हुआ था। आगे दूसरी एग्जांपल को सम के फॉर्म में करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, अब हमने एक ही रेक्टेंगल में एडिशन करनी है, वो दो अलग रेक्टेंगल्स थे। अब ए एक रेक्टेंगल है जिसके टोटल पार्ट्स हमने 10 किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। अब ये ब्रैकेट बने हुए हैं, मतलब हमने इस पार्ट को और इस पार्ट को ऐड करना है। पहले तो आप मुझे इसकी फ्रैक्शन बताइए क्या होगी। देखिए, जो कलर्ड है उसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 9/10, क्योंकि 9 पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं, कलर की टोटल पार्ट्स 10 है। और अनशेडेड की, अनशेड पार्ट 1 है और टोटल पार्ट्स 10 है, उसकी 1/10। तो अब बात करते हैं एडिशन के बारे में। एडिशन में कितने फर्स्ट उसे कितने पार्ट हमें बोले लेने के लिए, 1, 2, 3 एंड 4। तो 4/10 क्योंकि टोटल पार्ट्स 10 थे, इसमें कितना आएगा 1, 2, 3, 4, 5। 5 पार्ट्स 5/10 क्योंकि टोटल पार्ट्स 10 थे, इसलिए डिनोमिनेटर 10 आ गया। अब हम इसे सम की फॉर्म में करें तो ये देखिए, यही पहले मैंने आपको बात कही थी, यू हैव टू टेक द कॉमन डिनोमिनेटर। अब दोनों तरफ आपके 10-10 डिनोमिनेटर्स थे, तो हमने उसमें से एक डिनोमिनेटर लिख लिया और जो न्यूमिनेटर्स थे उनको सिंपली ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 9/10। यानी इन दोनों फिगर्स को, इन दोनों कर्व्स को जब हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आया 9/10, कि इस जो फिगर की एडिशन है फ्रैक्शन की वो टोटल 9/10 है। और अगर हम इस 9/10 को डायरेक्टली भी देखें तब भी देखिए कलर की 9/10 ही बन रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल कलर 10 आउट ऑफ टोटल 10 पार्ट्स। नेक्स्ट एग्जांपल,
एडिंग फ्रैक्शंस विद कॉमन डिनोमिनेटर्स, वही बात आ गई। अब फिर से हमने इसमें दो अलग रेक्टेंगल्स ले लिए, इसमें 3 पार्ट्स कलर्ड हैं येलो, इसमें 4 पार्ट्स कलर्ड हैं येलो। अब वो कह रहे हैं इसको इनकी फ्रैक्शन बनाइए और ऐड कर दिए। तो पहले इसकी फ्रैक्शन बनाते हैं, बनेगी 3/8, इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी आपकी 4/8, क्योंकि 4 पार्ट्स कलर्ड हैं। कॉमन डिनोमिनेटर लिया 8 और न्यूमिनेटर्स को ऐड कर दिया 3+4, तो आपका आंसर आ गया 7/8। अब मैंने उसमें थर्ड पार्ट भी आपको एक बोला था दैट सिंप्लीफाई इफ नीडेड। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा क्योंकि 7 और 8 वो एक ही टेबल में नहीं आते हैं, तो इसलिए आपका जो आंसर है वो 7/8 रह जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास एक और रेक्टेंगल था, राइट, उसकी हमने फ्रैक्शन ले ली, हर पार्ट की फ्रैक्शन हमारी बनी 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। क्यों? क्योंकि एक पार्ट है, टोटल 4 पार्ट्स है, 1 पार्ट है, टोटल 4 पार्ट्स है, 1 पार्ट टोटल 4, 1 पार्ट टोटल 4, तो 1/4 बन गई, यानी 1/4 पार्ट, राइट। अब वो कह रहे हैं 2 1/4, 2 1/4 लेके आप उनको ऐड कर दीजिए। तो कॉमन डिनोमिनेटर 4 लिया, न्यूमिनेटर्स ऐड किए, तो आंसर आ गया 2/4। और अगर मैं इस 2/4 को डायरेक्टली भी यहाँ पर देखूँ कि तब भी वो ही बन जाएगी कि कितने पार्ट्स कलर है, टोटल 2 out of 4। तो डायरेक्ट भी देखोगे तब भी 2/4 बनेगा, ऐड करके देख लेंगे तब भी 2/4 बनेगा। तो ये तो बात थी हमारी एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस की। तो चलिए कोई और अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 5/11 + 2/11। अब मैं कह रही हूँ इसको आप फ्रैक्शन को ऐड कर दीजिए। देखिए कॉमन डिनोमिनेटर है 11 आ गया, न्यूमिनेटर्स को हम ऐड कर देते हैं 5+2, आपका आंसर आ जाएगा 7, 7/11। मतलब अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा होगा तो हम करेंगे, अगर सपोज यहाँ पे आपका कभी भी आंसर आ जाए 8/10, राइट, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 4 8 और 2 5 10। अब 4 और 5 दोनों दोबारा एक टेबल से कटिंग नहीं हो रही, तो आपका आंसर है जो वो बन जाएगा 4/5। इसे कहते हैं हम सिंप्लीफाई करना, मींस दोनों नंबर्स को एक टेबल से कटिंग करनी। तो ये तो बात रही हमारी एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर्स। अब बात करते हैं विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो क्या होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो उन्हें सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए हमारे पास मेथड्स हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला पॉइंट ले लें, एलसीएम करके ले लें, और उसके बाद हमारी फिर फ्रैक्शन दोबारा से तैयार हो जाएगी, फिर हम उसका कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे जैसे हम पिछले एडिशन में भी लिया है कॉमन पॉइंट में, और फिर हम उसके न्यूमिनेटर्स को ऐड कर देंगे और फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए एक बार रीड आउट कर लेते हैं। इफ़ द डिनोमिनेटर्स आर नॉट द सेम देन यू हैव टू यूज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विच डू हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर। अब वो कह रहा है कि अगर आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फर्स्ट पॉइंट आप ये ले सकते हैं कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पॉइंट यूज करना पड़ेगा टू विच डू हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर, जिससे हमारे पास एक कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा। अब वो कह रहा है और यू फॉर डू टू डू दिस, मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए यू नीड टू फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। कई बार ऐसा होता है कि हम एलसीएम फाइंड आउट करके भी इक्विवेलेंट बना सकते हैं दोनों फ्रैक्शंस को, और एक है कि आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना लीजिए सीधा स्मॉलर वाले को, या आप सीधा एलसीएम लेके कर लीजिए। उसके बाद टू ऐड द फ्रैक्शंस विद अनलाइक डिनोमिनेटर्स, अब ये अनलाइक डिनोमिनेटर्स हैं क्योंकि ये सेम नहीं है, तो हमें हमारी फ्रैक्शन रीनेम हो जाएगी ना जब हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, फिर हम उन फ्रैक्शंस को दोबारा ऐड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने एग्जांपल्स को। जी हाँ, अब हमारे पास एग्जांपल है 2/3 + 4/6। अब इसमें दोनों में देखिए डिनोमिनेटर्स अलग हैं, इसमें 3 है और इसमें 6, तो अगर हम इसमें एलसीएम मेथड लें तो एलसीएम मेथड में हम 3 और 6 का हम एलसीएम ले लेंगे। ये देखिए हमने 3 और 6 का एलसीएम लेना है, तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 1s are 2, 2 1s are 2, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो एलसीएम आ गया वो 6, आपका एलसीएम आ गया 6। अब मैंने आपको कहा था जब भी हम एलसीएम लेते तो अब हमने यानी इसका कॉमन एक डिनोमिनेटर ले लिया 6। मैंने आपको लास्ट सेशन में भी कहा था कि हम नीचे वाले नंबर से, ये जो नीचे वाला नंबर होगा इससे के साथ हम करेंगे डिवाइड, और जो ऊपर वाला नंबर आंसर आएगा उसके साथ हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 6/3 तुम्हारे पास क्या आया 2, अब 2 × 2 आंसर आ गया 4, प्लस का आ जाएगा प्लस 6/6, अब इसके लिए हमने इसको पकड़ा राइट 6/6, क्वेश्चन आया 1 × 4 यानी मल्टीप्लाई बाय 4, तो अब इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8/6। अब जब 8/6 को हमने सिंप्लीफाई किया 2 4s are 8, 2 3s are 6, तो हमारा जो आंसर था
वो आ गया 4/3। ये तो रहा हमारा एलसीएम पॉइंट में हम किस तरह सॉल्व करते हैं। अब आगे देखते हैं कि इक्विवेलेंट अगर हो तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। आप अपनी तरफ से कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था, 2/3, 4/6, राइट। आप इसको यहाँ पे एक बार फिर से सॉल्व करके देख लेते हैं। हम 2/3, 4/6 ये अलग है, इसलिए आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि हमारे पास आया 6। 3/6, 2, 2 × 2, 4। 6/6 आया 1, 1 × 4, 4। आपका आंसर आया 8/6। राइट, 8/6 आपका आंसर आया। तो अब जब हमने सिंप्लीफाई किया तो 2 4 8 और 2 3 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 4/3। अब बात करते हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, लेकिन अब बात करते हैं हम कि अगर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला पॉइंट ले लें तो उससे हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, आपका क्वेश्चन है 2/15 और 3/15। अब आप हमने क्या करना है कि इस वाले जो स्मॉलर डिनोमिनेटर है हमने उसको भी इसका इक्वल बनाना है, तो हम इन दोनों का फैक्टर ले लेंगे। 15 और 5 का हमने जब फैक्टर लिया, ये देखिए हमारे पास था 2/15 और 3/5, हमने इन दोनों का फैक्टर ले लिया, तो हमारे पास फैक्टर क्या आया डिवाइड करके 3। दैट मीन्स हमारा जो स्मॉलर था मैं इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगी और डिनोमिनेटर को भी 3 से, तो 3 3 ज़ा 9 और 5 3 ज़ा 15। तो यानी ये जो आपका 3/15 था ये अब क्या बन गया, 9/15, राइट। तो अब हम इसको ईजिली ऐड कर सकते हैं। 9/15 आपका बन गया। अब ये देखिए, जब 9/15 बन गया तो पुराना वाला आपका क्या था, पुरानी वाली चीज़ आपके पास थी 2/15। 3/15 अब आपकी क्या बन गई, 9/15। जैसे यहाँ पे बनी हुई अब सेम हो गए, तो हमने कॉमन डिनोमिनेटर्स 15 ले लिया, 2 + 9 किया तो 11 आ गया। अब 11 और 15 किसी एक टेबल में नहीं आ रहे तो ये सिंप्लीफाई नहीं होंगे, तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो आ गया 11/15। अब बात करते हैं अगर कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाए तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन आएगी तो कभी भी वो डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकती। आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको उस दिन बताया था कि इन दो जो न्यूमिरेटर और सॉरी डिनोमिनेटर होल नंबर्स है आपको इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और जो आपका न्यूमिरेटर है उसमें ऐड करना होगा। अब जैसे आपका है 2 × 9, राइट, 2 9 ज़ा 18, 18 + 1 19, 19 डिनोमिनेटर सेम रहेगा, प्लस 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 20 + 3 20 + 3 23, डिनोमिनेटर सेम रहेगा 4। ये देखिए यही बना यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, कौन सा स्मॉलर है इन दोनों में से, अगर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, आप एलसीएम मेथड भी ले सकते हैं, इक्विवेलेंट भी ले सकते हैं। एलसीएम में आप दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इक्विवेलेंट में आप इस 2 को इस 4 के इक्वल बनाएंगे, हमें दोनों का फैक्टर निकाल लेंगे, डिवाइड करके आया 2, यानी हम 19 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उस वो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है 38/4 प्लस 23/4, वही बात आ गई, अब कॉमन डिनोमिनेटर लिया और इसे ऐड कर दिया। और ये हमने फ्रैक्शन लास्ट सेशन में सीखी थी हमने किस तरह से करना है, जो जो ये साइड पे आता है ये आपका क्वोशेंट होता है, और रिमेन दिस इज योर रिमाइंडर एंड दिस इज योर डिवाइसर, ठीक है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार इसको चेकआउट कर लेते हैं। चेंज इन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उन्होंने कहा सबसे पहले मिक्स को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। इसको चेंज करने के से पहले आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट आएगा उसके बाद, अब उसने कहा है एलसीएम मेथड ले लीजिए, इक्विवेलेंट आप कॉमन डिनोमिनेटर में चेंज कीजिए, उसके बाद हम सिंपली ऐड कर देंगे, और अगर ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में दोबारा चेंज करके उन्हें मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर दे देंगे। ये डिपेंड करता है आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, सिंप्लीफाई करके पूछा गया है या मिक्स फ्रैक्शन में ही देने के लिए पूछा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अपनी तरफ से एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं, 2 1/3 + 6 1/4। अगर हम ये ले लें तो 2 3 6, 6 + 1 7, 3।
अगर आप चाहें तो मैं आपको दूसरी तरह से भी करके दिखा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए मेन क्या है, हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है, 3 × 2 + 1, तो नीचे यही रह जाएगा 3, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 4 × 6 + 1, तो ये यही रह जाएगा, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जो आंसर है उसमें ऐड किया, तो 3 × 2 = 6 + 1 = 7, ये आ गया 7/3, प्लस 4 × 6 = 24 + 1 = 25/4। अब हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर्स कॉमन नहीं है तो हम इन्हें एलसीएम मेथड लेके या हम इन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेके आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करके ज़रूर चेक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका क्या आंसर आता। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो जी अब हम बात करते हैं हाउ टू सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस। हमने जैसे अभी एडिशन समझी है, सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल वैसी है, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक साइन, इस माइनस साइन का फ़र्क है और फर्स्ट नंबर पर आपने कौन सी सब्ट्रैक्शन रखनी है उन दोनों में से, उसका फ़र्क है। क्योंकि एडिशन में रूल होता है ना, वी कैन टेक एनी नंबर्स बिफोर, हम कोई भी नंबर्स को पहले ले सकते हैं, आंसर द आंसर विल रिमेन द सेम, लेकिन इन सब्ट्रैक्शन वी हैव टू टेक द बिगर नंबर फर्स्ट, तो इसमें भी आपको बिगर फ्रैक्शन ही पहले लेनी पड़ेगी, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं इन केस ऑफ सेम डिनोमिनेटर्स, वही बात आ गई, अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम अगर मेक श्योर द डिनोमिनेटर्स आर सेम, आपको पहले सेम बनाना पड़ेगा, उसके बाद कॉमन डिनोमिनेटर्स लीजिए और न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करके ऊपर लिख दीजिए, एंड नाउ सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन इफ नीडेड। सेम वही स्टेप्स एडिशन वाले, सिर्फ एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन आ जाएगी। अब ये देखिए सब्ट्रैक्ट द न्यूमिरेटर्स, उन्होंने कहा न्यूमिरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए और डिनोमिनेटर्स को सेम रखिए। अब हमारे पास क्वेश्चन था 5/8 - 2/8, हमने कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया, न्यूमिरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर लिया, 5 - 2, हमारा आंसर आ गया 3/8, सेम जैसे एडिशन की है, कोई फर्क नहीं है। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपनी तरफ से, 9/13 - 2/13, कॉमन ले लिया 13, माइनस कर दिया 9 - 2 = 11/13। अब ये कटिंग नहीं हो सकती, दोनों किसी एक टेबल में नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 11/13। आगे बढ़ते हैं, अब बात वही सेम एडिशन वाले की, इन केस ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स नहीं है तो हमें सेम डिनोमिनेटर्स बनाने पड़ेंगे। हमारे पास टू मेथड्स है, एलसीएम ले लेते हैं या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, उसके बाद हमारी फ्रैक्शन दोबारा से रिक्रिएट हो जाएगी, फिर हम उसका कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे, अपने न्यूमिरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे अगर ज़रूरत होगी। तो चलिए इसको एक बार रीड कर लेते हैं। टू डू दिस यू नीड टू फाइंड आउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज एलसीएम और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द टू डिनोमिनेटर्स। वो कह रहे हैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको या तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना पड़ेगा या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दोनों डिनोमिनेटर्स की। टू सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शंस विद द अनलाइक डिनोमिनेटर्स, रीनेम द फ्रैक्शन, हमारी फ्रैक्शन दोबारा बन गई विद द कॉमन डिनोमिनेटर, अब फिर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। सेम स्टेप्स एज एडिशन, कोई मुश्किल, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस साइन का फर्क है। तो ये देखिए हमारे पास अब एग्जांपल आ गया, 11/15 - 3/15, अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, हमारे डिनोमिनेटर्स अलग हैं, जैसे एडिशन में हमने सेम किए थे इसमें भी हम सेम करेंगे, हमने 15 और 5 का फैक्टर ले लिया, ये देखिए 15 था यहाँ, 5 था, सॉरी यहाँ 5 था, हमने लिया, हमारा फैक्टर आ गया 3। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास स्मॉलर वैल्यू थी 3/5 वाली, हमने क्या करना है, उसका डिनोमिनेटर हमने बनाना है 15, तो हमारा फैक्टर क्या आया 3, तो यानी उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और इसको भी कर देंगे 3 से, राइट तो ये आ गई 9/15। ये देखिए आपकी 9/15 बन गई। उसके बाद अब उन्होंने क्या किया है, आपकी जो 3/5 थी वो अब आपकी बन गई 9/15, अब ये दोनों हो गई सेम, राइट। अब जो बड़ी वाली फ्रैक्शन है उसको हमेशा ध्यान में रखिए पहले रखना है, अगर आप 9/15 पहले रख देंगे तो आपकी सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, आपका आंसर सब्ट्रैक्शन माइनस साइन में चला जाएगा। तो जब आपने इसको कंपेयर करना है कि बड़ा कौन सा है, तो जब भी आपके डिनोमिनेटर सेम होंगे तो बिगर स्मॉलर न्यूमिरेटर, जिसका न्यूमिरेटर स्मॉलर होगा वो स्मॉल होगा, और जिसका न्यूमिरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। आई रिपीट, इन केस ऑफ सेम डिनोमिनेटर्स द फ्रैक्शन विद द बिगर न्यूमिरेटर इज बिगर एंड द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर न्यूमिरेटर इज स्मॉलर।
जब डिनोमिनेटर सेम होंगे, जिस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, और जिस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी। तो इसमें अब बड़ा था 11, तो 11 बाय 15 आपकी फ्रैक्शन बड़ी हुई, 9 बाय 15 आपकी छोटी हुई। कि हम बात कर रहे हैं कि 15 में से 11 पार्ट्स की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 15 में से 9 पार्ट्स की। तो अब हम इसे इजीली फ्रैक्शन ले सकते हैं और हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जैसे हमने एडिशन में किया। तो हमारा आंसर आ गया 2 बाय 50। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल एक और आ गई, उन्होंने कहा है, अब देखिए द बॉटम नंबर्स, यहाँ पे भी आपके बॉटम नंबर्स अलग हैं, 1 बाय 2 और -1 बाय 6। अब ये आपको हम समझाते हैं इसमें डायग्राम फॉर्म में। स्टेप वन, द बॉटम नंबर्स आर डिफरेंट, राइट, यहाँ 2 है यहाँ 6 है। सी हाउ द स्लाइसेज आर डिफरेंट साइजेस, हमारे यहाँ पे स्लाइसेज भी अलग हैं, ये कितना बड़ा है और ये कितना छोटा है। वी नीड टू मेक दम द सेम बिफोर वी कैन कॉन्टिन्यू, वो कह रहा है अब हमें इन स्लाइसेज को सेम बनाना पड़ेगा तभी हम इसमें यहाँ पे माइनस कर पाएंगे। यहाँ भी हमें डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ेगा तभी हम इसे माइनस कर पाएंगे, बिकॉज वी कांट सब्ट्रैक्ट दम लाइक दिस, हम ऐसे माइनस नहीं कर सकते। आप एक प्लेट में 8 चपातीस पड़ी हैं, आपने उसमें से 2 खा ली, दूसरी प्लेट में 23 पड़ी हैं, आपने उसमें से 5 खा ली, तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। आपको उनका बेस जो पार्ट्स है वो इक्वल चाहिए होंगे टोटल, तभी आप उसको कर पाएंगे। अब उसको कैसे करेंगे ये देखिए, टू मेक द बॉटम सेम मल्टीप्लाई द टॉप एंड बॉटम नंबर बाय द फर्स्ट फ्रैक्शन बाय 3। अब उसने क्या किया है, वही चीज की है। आपका क्वेश्चन क्या था, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 6, ठीक है, आपका क्वेश्चन था 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 6। अब हमें क्या चाहिए, इस 1 बाय 2 को हमने बनाना है 6 के इक्वल, तो हम क्या करेंगे, फैक्टर लिया 3 आ गया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ गया 3 बाय 6। यानी ये जो आपका 1 बाय 2 था वो अब क्या बन गया है, 3 बाय 6। यहाँ देखिए तो ये तो वही रहेगा, तो अब हम इस 3 बाय 6 में से, अब बड़ी वाली फ्रैक्शन अब कौन सी आ गई, अब ये अगर ऐसे 2 बन गई, तो मैंने क्या कहा था, अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, तो ऑब्वियसली अब 3 बाय 6 बड़ी होगी तो हम उसको पहले रखेंगे, राइट। तो अब 3 चाहे क्वेश्चन में कैसे भी दिया हो आपने इस पॉइंट को एनालाइज ज़रूर करना। तो अब 3 बाय 6 माइनस 1 बाय 6 कॉमन डिनोमिनेटर लिया अब हमने इसमें से। नाउ द क्वेश्चन लुक लाइक दिस, अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया ना, हमारी फ्रैक्शंस रीनेम हो गई, कि अब हम पहले हम हाफ पार्ट की बात कर रहे थे ना, अब हमने क्या किया, इसको 6, इस पिज्ज़ा को भी हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यदि हम बात कर रहे हैं 6 में से 3 पार्ट्स की, और यहाँ हम बात कर रहे हैं 6 में से 1 पार्ट की। अब वो कह रहा है इसमें से निकाल दो, अगर मैं डायग्राम में से निकाल दूँ ना, या मेरे पास 3 पार्ट्स है उसमें से 1 निकल गया, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑब्वियसली 2 पार्ट्स ही रह जाएंगे, तो आंसर 2 बाय 6 आएगा अगर हम इसको ओरली करें। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं क्या है, ये देखिए नाउ सेम आ गया, सब्ट्रैक्ट द टॉप नंबर्स एंड पुट द आंसर ओवर द डिनोमिनेटर, हमने टॉप न्यूमरेटर कॉमन डिनोमिनेटर लिया, टॉप न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया 2 बाय 6। ये देखिए जो मैंने आपको कहा था कि 3 आपके पास से, 1 आपने एक और खा लिया, तो अब आपके पास कितने बच गए, 6 में से 2 बच गए, यानी जी हाँ, तो अब आपके पास कितने बच गए, आपके टोटल 6 में से 2 बच गए, तो आपके अब आंसर आ गया 2 बाय 6। अब मैंने आपको कहा था कि अगर हमारा आंसर सिंप्लीफाई होता है तो हमने इसे सिंप्लीफाई करना इफ़ नीडेड, तो अब आपका आंसर आ गया 2 बाय 6। अब हम इसी अगर कटिंग सेम टेबल से करें तो आएगा 2 1 2। देखिए यहाँ पे या तो कोशेंट आ जाता होता है या हम इसे फ्रैक्शन कह सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6। हमने दोनों को एक ही टेबल से कट कर दिया, तो अब हमारा आंसर क्या आ गया, 1 बाय 3। तो जी हाँ, ये तो अब बात रही हमारी फ्रैक्शन के बारे में कि अब हमारा फ्रैक्शन का आंसर आ गया 1 बाय 3। तो चलिए अब लास्ट टॉपिक लेते हैं आज के सेशन का। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बारे में, जैसे हमने एडिशन में की थी कि अगर हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाए सब्ट्रैक्शन में तो हम क्या करेंगे। फिर से वही पॉइंट रहेगा, वही स्टेप्स रहेंगे कि मिक्स को सबसे पहले सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद उनके डिनोमिनेटर्स जो अनकॉमन है उनको कॉमन बनाइएगा एलसीएम मेथड्स या इक्विवेलेंट से, फिर उनके न्यूमिनेटर्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए और मिक्स में ही आंसर दे दीजिए। अब ये देखिए, अब सबसे पहले उन्होंने क्या, आपके पास क्वेश्चन था 2 2 बाय 3 1 1 बाय 2 को माइनस करना है, तो ऑब्वियसली आपको पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी इनको करना है मल्टीप्लाई और जो आंसर आएगा प्लस। तो अगर हम प्लस करते हैं 2 3 6 6 प्लस 2 8 8 बाय 3 आ गया, 2 into 1 1 1 plus 1 3 3 by 2 आ गया, यहाँ तक आपका हो गया, ये सारा हमने ओरली सॉल्व कर लिया। अब हमने क्या करना है, इनके जो अलग अलग डिनोमिनेटर्स इनको सेम बनाना है, ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको सेम बनाना है, या हम एलसीएम मेथड भी ले सकते हैं।
तो चलिए ट्राई कर लेते हैं अपना एक बार एलसीएम मेथड. 3 और 2 का एलसीएम मेथड क्या आ जाएगा यहाँ पे? 6, राइट? क्योंकि 3 और 2 और तो किसी में जाते नहीं है. देखिए अगर 3 और 2 का हम एलसीएम भी ले लेते हैं तो 3 1 3 तो आपका आ जाएगा 6. कॉमन ले लिया 6, 3 को 6 से डिवाइड किया, आंसर क्या आया? 2. 2 8 16, माइनस 2 को 6 से, 6 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? 3. 3 3 9. ये देखिए बन गई आपकी यही वाली चीज़ जो यहाँ पर है. तो अब हम जबने हमने इसको माइनस किया तो हमारा आंसर आया 7/6. और 7/6 को जब हमने अपने पॉइंट में सॉल्व किया तो 7 को सिर्फ हमने 6 से डिवाइड किया तो 6 1 6, माइनस बच गया 1. मैंने अब क्या कहा था कि आपका जो कोशेंट है वो साइड पे चला जाएगा, ऐसे होल नंबर बन जाएगा, डिवाइजर नीचे आ जाएगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, और रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा वो न्यूमिनेटर बन जाएगा. तो आपकी अब आंसर आ गई 1 1/6. तो ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं. ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा. तो ये तो था आज का सेशन ऑन फ्रैक्शंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर सेम डिनोमिनेटर्स एंड विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. पुराने वाले सेशन में हमने फ्रैक्शन के मीनिंग, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन समझा था. इस वाले सेशन में हमने एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस को समझा है. तो चलिए अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में. सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स ज़रूर दीजिएगा. मैंने ये देखा है कि कमेंट्स इतने आते नहीं हैं जितने एक्सपेक्टेड होते हैं समटाइम्स, क्योंकि अगर कमेंट्स आते हैं तभी हमें पता लगता है कि हमारा काम किस तरह से मतलब हुआ है. दूसरे जो आपके सामने वाले व्यूवर्स हैं उन्हें क्या कैसा पसंद आया है. तो बाकी जैसे भी आपको ठीक लगे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस को समझेंगे. तो अभी तक के लिए इतना ही. दिस इज़ अमनप्रीत कौर फ्रॉम नॉलेज एंड वी साइनिंग ऑफ.